अब ड्यू से जाने का टाइम आ चुका है, शाम को बस है अहमदाबाद के लिए, और बहुत अच्छी ट्रिप थी, मेरे को लिटरली याद रहेगा ये वाली ट्रिप, हमेशा याद रहेगा। ड्यू वाली बहुत स्पेशल ट्रिप रही है मेरे लिए ये। पहले हम लोग सोमनाथ गए थे पोरबंदर, आते वक्त ड्यू जाने से पहले सोमनाथ गए थे, फिर वापस सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका, गिर, और ड्यू में भी हर जगह घूमे। ड्यू फोर्ट गए थे, जलंधर बीच, वनकबारा बीच, गोगला बीच, नागवा बीच, पैरासेलिंग करी, फर्स्ट टाइम लाइफ में वाटर स्पोर्ट्स करे, तो बहुत स्पेशल ट्रिप थी मेरे लिए। बस अभी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, चाय वाय पिए, और फिर शाम को 8 बजे की बस है हमारी अहमदाबाद की, जो हमको कल सुबह 6 बजे पहुँचाएगी वहाँ पे, और फिर कल रात की 8 बजे की ट्रेन है जो परसों सुबह जयपुर पहुँचाएगी। तो ये प्लान है, और मैं सोच रहा हूँ ये बुक्स लेके जाऊँ, मेरे को ये थोड़ी पढ़ी थी मैंने वाली बुक, कौन सी पढ़ी थी मैंने पढ़ी थी वाली मेरे को फर्स्ट वाला जो वर्जन है इसका, वो थोड़ा सा पढ़ा था, मेरे को अच्छा लगा था, मैं तीनों बुक्स लेके जा रहा हूँ, ये जाके पढ़ूंगा ढंग से। आज का गिर का भी बहुत सही सीन था, मजा आ गया, पहली बार लाइफ में शेर देखे। सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि बिल्कुल जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसमें देखने को मिला, मतलब वो कहीं पिंजरे में बंद नहीं थे, बाहर से कहीं खाना नहीं आता था उनके लिए, ऐसा कोई सीन नहीं था, जैसा शेर होता है असली में रियल लाइफ में, कि वो खुद का शिकार कर रहा है, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल, और मजा आया यार। ऐसा मेरे को लगा नहीं था इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मेरे को लगा था कि मेरे को डर भी लग रहा था स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे पहले वाले शेर को जब देखा था तब तो बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा काम हुआ जब फिर सेकंड टाइम कब्स को देखा था और वहाँ पे लायनेस भी थी, तो फिर उसमें इतना डर नहीं लगा था, हालांकि वो नीचे भी थे, पता था वो ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन आज तक तो बैंड बच जाती, वो 1 या 2 महीने ओल्ड तो कब्ज़ी थे, लेकिन वो बहुत क्यूट लग रहे थे, मतलब मैं डर से ज्यादा क्यूटनेस वाला इमोशन आ गया था मेरे अंदर उस टाइम, बट मजा आया काफी। मैं इस ट्रिप का कॉस्ट बता देता हूँ एक बार, हमको कितना पड़ा, मतलब ये कितना हमारा खर्चा हुआ, जाने का आने का ऐसा हमारा कोई खर्चा हुआ नहीं, क्योंकि हमने किसी से कार ली थी, मतलब एज अ फेवर लिया था कार का। गिर का बता देता हूँ, गिर गूगल पे सर्च मारना तो उसकी पहली वेबसाइट आ जाएगी गवर्नमेंट की, उस पर जाके पहले बुकिंग करानी होती है सफारी की, उस पर हमारे लगे थे 250 पर पर्सन, तो 1000 रुपए, उसके बाद 600 पर पर्सन वहां जाके हमको देने पड़े, तो लमसम टोटल हो गया 800-850 पर पर्सन पड़ा, जो कि बिल्कुल वर्थ इट था। 35 किलोमीटर का राउंड होता है तो वो पूरा कवर करते हैं और मजा आ जाता है, मतलब बहुत सही था, मेरे को तो बहुत ही सही लगा, बिल्कुल रीजनेबल था, बजट में था, सब था, तो बहुत सही था। बस वहाँ पे जाने का भी पंगा है क्योंकि बसेस जाती हैं तो बसेस में जा सकते हो। यहाँ पे यार नेट की बहुत ज्यादा दिक्कत है, सुबह वीडियो अपलोड पे लगाता हूँ, शाम को होता है, ये मैंने कल लगाया था 30% था, अभी 2 घंटे से लगा रखा है 36% हुआ है, मेरे को लगता है मेरा वीडियो आएगा, मेरे को लगता है शायद जयपुर जाके आएगा, देखते हैं अगर ये हो गया तब तो आ ही जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये हो पाएगा क्योंकि शाम को 8 बजे से पहले तो नहीं हो पाएगा ये। चलो कोई नहीं, अब जयपुर जाके आएंगे सारे वीडियोस। अब वो शर्म तो नहीं है मेरी नींद उठा के और खुद फिर यहाँ नाटक कर रहे हैं, मैं सो रहा था अच्छा खासा, ये कर रहा था और नहीं तो क्या, लेकिन वो कुछ भी बोलो, मेहनत का काम तो पूरा किया है उन्होंने भी, साइड में बैठ के सोए हैं, मेरे को 1 घंटे बाद ये पता है कि लेफ्ट लेना राइट लेना है, एक बार तो वो भी मिस करवा दिया था, 2-3 बार तो मेहनत तो लगी है ना। अच्छा वो ये लो आपका फोन हमेशा के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा के लिए बुआ का फोन, आज बुआ का हुआ क्योंकि बुआ के फोन में अनलिमिटेड नेट है, कितना यूज करो तो मैं ऊपर लेके बैठा रहता था और हॉटस्पॉट से अपना ऑफिस का भी काम करता था, वीडियो वगैरह भी अपलोड करता था, और आवाज कर लो, और आवाज कर लो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, पर मुझे पर खुश फील होने से दे रहा है तो अच्छा लगता था, मेरा काम हो जाता था। चलो अब हम घूम के आते हैं ड्यू का, एक लास्ट चक्कर काट के आते हैं, आप लोग भी वॉक करने जाना 8 बजे की बस अपने पापा, अब क्या टीवी देख रहे हो, जाके आज आखिरी दिन वॉक करके आओ, 8 बजे का है अभी तो, आराम से जाओ, छोड़ के आऊँ जलंधर आपको, आप और हुआ दोनों जाओ, कर दो सब बाय कर दो एक बार लास्ट, आप भी कर दो टीचर साहब बाय, जा रहे हो आज ना, हाँ शाम की, बाय 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 बाय, हाँ बिल्कुल आएंगे आप आओ, हाँ आना जरूर आना है ना, तो आप सबको लेके आना सब। तो गाइस अभी हम आए हैं फेमस चॉकलेट की शॉप है ड्यू में, और अब जा ही रहे हैं तो अच्छा सा चॉकलेट डिब्बा लेके जाएंगे, भैया हमको खिलाएंगे कोई बढ़िया चॉकलेट, कोकोनट का फ्लेवर है, एक और खाना चाहूँगा मैं, इस बार नारियल वाली मत खिलाना, ये क्या है बम बम, नहीं आप रहने तो आप बहुत फिर आते हो, एक पैकेट तो आता है, मजेदार नहीं है लेकिन अच्छा है, जो पहले खिलाई ना ज़्यादा बढ़िया, जो भैया ऐसे स्वीट हैं कि ये भी खाओ वो भी खाओ, टेस्ट पे टेस्ट कराए जा रहे हैं, और भाई पूरी दुकान चॉकलेटों से भरी हुई है, फिर इसमें एक ये भी डाल देना प्लीज, ये वाली मेरे को दे दो, एक ये भी निकालने का मन हो रहा है, ये स्ट्रॉबेरी दे दो,
तो गाइस अभी एक बार मैं लास्ट टाइम आया था समुद्र देखने, मेरे को पता है आप लोगों को दिखेगा नहीं। अभी मेरी 8:20 की बस है, ऑलमोस्ट 7:45 हो रहा है। मैं सोचा थोड़ी सी मिट्टी ले चलता हूँ यार, जीवन भर याद रहेगी ये चीज। तो मैं थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे लेने आया था ड्यू की। आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, जो मेरे को दिख रहा है वो नहीं दिख पा रहा होगा। दिस इज ऑसम यार, थैंक यू ड्यू। ड्यू अभी गुड बाय कहने का टाइम आ गया, चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके और बैठ चुके हैं बस में, और मैं मिलाता हूँ आपको हमारे मेरे पड़ोसी से। तो मेरा जो घर लौट हुआ है वो इनके साथ हुआ है। ये हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर रहते हैं, नीचे वाले तो थोड़े एरोगेंट है, पर्दा वर्दा लगा के मुंह ही नहीं दिखाते हो। तो समुद्र अच्छा दीदी कहाँ से आई हो आप? बीच में से आई हो? अच्छा ड्यू के, हम ड्यू से आए थे, यही रहते हैं अंजू बहन के सामने। अंजलि बहन क्या नाम है? भारती बहन के सामने रहते हैं हम। आप कहाँ रहते हो? माजा के रहते थे, ये चौराहे मेरे को हमेशा याद रहेगा। समुद्र दिखे गए गोगला बीच है, और इसके पीछे बेसिकली वो भी गया, मतलब हाँ ये समुद्र है। और ये लास्ट पॉइंट है, जब डीयू में आप एंटर करोगे एग्जिट करोगे तो गुजरात तक समुद्र दिखता है, इसके बाद कहीं नहीं दिखेगा। तो बाय बाय, बाय बाय डीयू, द गुड बीचेस, आई विल मिस यू। ये चेक पोस्ट आ चुका है और हम अब ऑफिशियली गुजरात में एंटर हो गए।